फिर यहाँ पे कंपनी खोली, यहाँ पर मैं ओवन वीज़ा के ऊपर आ गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीज़ा के ऊपर। अभी अपनी कंपनी खोली, अभी 35 मी, तो हम एक बंदों से तकरीबन 69 बंदे अभी हो गए हमारे, दो मुल्कों में ऑफिस हो गए, बाकियों में कुछ और ऑफिस खोलना चाह रहे हैं। हमने $1.8 मिलियन की फंड रेजिंग अभी कर ली है, वी आर गेयरिंग अप फॉर द नेक्स्ट फंडिंग राउंड फॉर $25 मिलियन, तो विल गो फ्रॉम देयर। मेरी एवरेज स्पीड रात की कोई अलहमदिल्ला 600 पेजेस की हो गई है पर नाइट की। तो जब बच्चे आते हैं, कोई भी बात करता है, कोई यू नो चैलेंज करने की कोशिश करता है, तो बेटा पहले पढ़कर आओ फिर बात करना। तो बच्चे को स्किल डेवलप करनी चाहिए, और उसके बाद दुनिया का ख्याल ना करे, दुनिया ताने दे, अच्छाई करे, बुराई करे, आराम से करता रहे। जो भी काम उसको दिया जाए वो अपने एक्सेलेंस पे करे, और ये ना देखे पैसा कितना मिल रहा है। जो बंदा ये कहे कि उसको सब कुछ आ गया है, तो वहाँ पर उसकी सीख का अमल रुक जाता है, आगे वो सीख नहीं पाता। तो आपको सर झुका के चलना चाहिए, लोगों की इज्जत करनी चाहिए। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें कंबाइन नहीं होती, मिसाल के तौर पर दुनिया में हुस्न और आजजी कंबाइन नहीं होते। जो लड़की खूबसूरत होती है वो आपको कहाँ से जल्दी होती है, भाड़ में जाओ मेरे पास सोचते खड़े हैं, कभी कंबाइन नहीं होते। हम 8 घंटे रोज़ सोते हैं, तो अगर हम 8 घंटे रोज़ सोते हैं तो 23 साल 3 महीने 4 महीने ज़िंदगी में हम सोते में गुजार देते हैं। जानदे, मैं आपको बहुत साल से जानता हूँ। सबसे पहले मुझे तारिक मुस्तफ़ा ने आपका तारुफ कराया था, आपने कुछ मक्खियाँ ट्रेन की थी उसके लिए ऊपर, पता नहीं वो पब्लिक डेटा है या नहीं है, बट आपके साथ पिछले 3 घंटे से मैं गुजार रहा हूँ या 3:30 से, और समझ में नहीं आया कि टाइम गया कहाँ। और आपने जो चीज़ें दिखाई हैं उससे आगे वाले आने वाले टाइम की से खौफ आने लगता है कि क्या होने वाला है। लेकिन आपका जो माजी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप 15 भाइयों के भाई, आपके 15 भाई बहन हैं, 14 भाई बहन, 14 भाई बहन हैं, और आप एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए शायद, एंड शायद आप एक दो दफ़ा मर भी गए। और तो थोड़ी सी कहानी अपनी अगर सुनाएं कि जाके लोग उससे इंस्पायर हो सकें कि भाई एक आदमी जो कि बिल्कुल एक आम सा पाकिस्तानी है, उसको CNN का प्रेसिडेंट कॉल कर रहा है, उसको विक्टोरिया सीक्रेट के लिए वो काम कर रहा है, उसको वो अमेरिका में नेशनल डिफेंस को पढ़ा रहा है, तो ये अगर एक आम पाकिस्तानी कर सकता है तो जो ऊपर वाली मंजिल है वो ख़ास है आपकी, क्या एक आम सी है जिसको कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। ये मेरी ख्वाहिश है कि आप दूसरों को भी अपनी थोड़ी सी कहानी सुनाएं और फिर थोड़ा सा उनको गाइड करें। रेहान भाई, कुछ चीज़ें वो डिस्कस करूँगा। अपने बारे में बात करते हुए बड़ी हया आती है, वो इसलिए आती है कि दो चीज़ें पढ़ी उनसे बड़ा डर गया। एक हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का कॉल है कि किसी जिंदा शख्स की मिसाल ना दो, क्योंकि आपको पता नहीं है उसका खात्मा ईमान पे हुआ या नहीं हुआ, मरा तो नहीं है। तो मिसाल बना के अपने आप को पेश करना तो बड़ी बुरी बात लगती है। मुझे लगता है इंसानी चीज़ों में से, फीचर्स में से जो बदतरीन सिफत है वो मेंटर बनने की ख्वाहिश है। वो ये समझना है कि आप किसी बंदे से ज़्यादा बढ़तर हैं, या आपको कोई चीज़ आती ज़्यादा पता जो किसी और को नहीं आती। दूसरी कुरान शरीफ की आयत है, अल्लाह से फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कबूरा मक्तन इंदल्लाहि काना मफूला। अल्लाह को एक बात बड़ी नापसंद है कि वो चीज़ें कहो जो तुम करते नहीं हो। तो किसी से बात करते हुए, गाइड करते हुए डर ही लगता रहता है कि यार मैं किसी बंदे को बोल रहा हूँ कि काम करो, खुद भी ना करता हूँ तो फ़ायदा क्या। तो बड़ा सोचना पड़ता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करता भी हूँ या नहीं करता, आज करता हूँ कल ना करूँ तो, कल करता था आज नहीं करता। तो मेरा ताल्लुक सखड़ से, हम 14 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटे नंबर के ऊपर हूँ, मेरा जुड़वा भाई भी है। बचपन से दो प्रॉब्लम मेरे साथ रहीं। पहला प्रॉब्लम रहा अस्थमा का, तो इनहेलर के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, तो मैं फ़िज़िकली कोई वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं कोई काम वाम कर सकूँ, कोई फ़िज़िकल काम कर सकूँ। अबू की बर्तनों की दुकान थी, भाई भी अगर बर्तन बेचते थे, हिम्मत का मेहनत का काम होता है, तो मैं हमेशा उससे जी चुराता था। जी इसलिए चुराता था कि मेरे में हिम्मत ही नहीं होती थी काम करने की, मिट्टी उड़ती थी तो मुझे सांस बहुत होता था। लोहे के बर्तन या मिट्टी के बर्तन? सिल्वर के, स्टील के, शक्कर के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम मेरे में है कि मैं सवाल बहुत पूछता हूँ, कोई चीज़ अगर मैं जहन में क्लियर नहीं हो तो मैं बताऊँ इसका आंसर तो चाहिए, मुझे मार सकते हैं, जवाब ज़रूर दें मुझे। उसकी वजह से मैं बड़ी प्रॉब्लम में फंसा भी। पढ़ने का शौक पता नहीं बचपन में कहाँ से चढ़ा, फूफी के पास ज़्यादा रहा, उन्होंने कुछ किताबें पढ़ने के लिए दे दी, इमरान सीरीज़ में लगा दिया, असन नुमानी की सीरीज़ आती थी वो लगा दिया, इंस्पेक्टर जमशेद की जो सीरीज़ थी उसके ऊपर लग गया, इनकी इश्तियाक साहब की।
पढ़ता रहा, उससे मेरी स्पीड भी कुछ बढ़ गई, उससे मेरी कुछ मेमोरी भी कुछ बेहतर हो गई। मेरे एक सर थे बचपन में मौलाना अब्दुलरहमान साहब, इस्लामियात उर्दू शायरी वगैरह पढ़ाते थे, उनसे मैंने एक दफ़े पूछा याददाश्त कैसे बढ़ाओ, याददाश्त किस तरह बढ़े, मेमोरी कैसे अच्छी हो बढ़ा। उन्होंने अजीब जवाब दिया, उन्होंने कहा आँखों की हिफाजत करो। मैं कहा हजरत मैं समझ अल्लाह बोलेंगे, सर पर मसाज किया करो, बादाम खाया करो, आँखों की हिफाजत का याददाश्त से क्या ताल्लुक। तो कहने लगे जब तुम खाना खाने जाते हो तो क्या किसी ऐसी प्लेट में खाना डालोगे जिसमें गंदा हुआ। मैं कहा जी नहीं। तो उन्होंने कहा जी इल्म की जो ओनरशिप है ना अल्लाह के पास है, अल्लाह सुबहाना तआला के पास है, और अगर दिमाग में गंदगी हो पलीदा हो तो इल्म ही नहीं आता। इल्म अल्लाह अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है। बंदा रात को सोता है, सुबह उठता है बोलता है यूरिका ये काम हो गया, रात सोता है सुबह उठ के बोलता है पेंसिलिन का इंजेक्शन लगा लेता है, दुनिया उसको नोबेल प्राइज़ देती है, और बंदा बोलता रहता है मुझे समझ में नहीं आया, ख्वाब में आके बताया किसने था। तो इल्म तो अल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जैसे चाहे करे जो चाहे करे उसकी अपनी तकसीम है। तो उन्होंने बोला कि तो याददाश्त बढ़ानी हो तो आँखों की हिफाजत करो, बुरा ना देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा सोचो, इल्म अपने आप बरसना शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करो। बड़ी अच्छी सीख मिली। तो फिर मैंने किताबों के ऊपर तवज्जो देनी शुरू की। हम लोग छोटे गांवों से छोटे शहरों के जो लोग होते हैं बड़े बुरी तरीके से एहसास कम तरीके का शिकार होते हैं। हमें ना अच्छे तलफ़ुज़ के साथ अंग्रेज़ी बोलना आती है, हम लोगों को ड्रेसिंग का सेंस नहीं होता, बाल कैसे बनाते हैं उसका सेंस नहीं होता, अच्छी जगह खाने पीने का सेंस नहीं होता। मैं कराची में नया नया आया सक्कर से बैचलर्स करने के बाद शरतीफ़ खैरपुर से, तो बड़ा परेशान रहता था। मेरी शलवार कमीज़, सर पे टोपी, बालों में तेल लगावा, पाँव में चप्पल, और कराची के लोगों के साथ मैच ही नहीं खाते थे। मैं होटल में शादी के बाद फर्स्ट टाइम गया मैं होटल में खाना खाने के लिए, फाइव स्टार होटल में। तो मैं बेगम से पूछा मैं क्या करूँ, मैं तो हाथ से खाना खाता था तो मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि चम्मच कैसे यूज़ करूँ, कांटा यूज़ कैसे करूँ। आज तक मुझे उलझन होती है कांटा चम्मच इस्तेमाल करते हुए, तो कांटा और छुरी में सीख गया हूँ, तो मैं कांटा छुरी से खाता हूँ, चम्मच की चीज़ें भी कांटे छुरी से खा लेता हूँ, चम्मच से आज भी मुझे उलझन होती है। तो ये बड़ी बड़ी होती है तमाम चीज़ के अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि इस एहसास कमतरी से निकला कैसे जाए, इन तमाम चीज़ों को ओवरकम किया कैसे जाए। मैट्रिक सक्खर से कर लिया, हमेशा डॉक्टर बनना चाह पायलट बनना चाहता था। 8th क्लास में चश्मा लग गया, तुम्हें 7 नंबर का चश्मा, आंखें बड़ी कमज़ोर हो गई, तो मैं कहा ये पायलट तो बन नहीं सकता, वहाँ फिजिकल में रिजेक्ट हो गया। फिर भूत चढ़ा नेवी का, नेवी गया तो मेरा कद बहुत छोटा था उस वक्त, 4 फुट का कद था मैट्रिक के बाद, वजन कोई 35 किलोग्राम 40 किलोग्राम वजन था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आर्मी में गया, वहाँ फिजिकल में फेल हो गया। प्री इंजीनियरिंग में अप्लाई किया इस्लामिया कॉलेज सक्खर के अंदर, वहाँ निकाल दिया गया सवाल पूछने के ऊपर। वो आगे पढ़ाते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पाइथागोरस, में बोलता था जी मैं तो बर्तन बेचने आलू बेचने कुछ करना है, मैं कहाँ यूज़ करूँगा। तो उन्होंने भी निकाल दिया वेट करेक्टर के हिसाब से। फिर ऐसे में कॉलेज सक्कर से इंटरमीडिएट में किया मैंने, प्री मेडिकल के अंदर कंपटीशन सकता, वहाँ पर दाखिला नहीं मिला, चांद का भेजना नहीं चाहते वो जी एस सिंह, बाकी चीज़ में बड़े हालात ख़राब थे उस दौर के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ 96 की। तो बड़े मसले बने हुए थे। बी फार्मेसी में अप्लाई किया कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, दाखिला नहीं मिला, कोटा सिस्टम था, कोटा पर मेरा नाम नहीं आया। फिर रो पीट के जब कुछ नहीं कर सका ना ज़िंदगी में, तो कंप्यूटर साइंस में चला गया। लोग मुझे बोलते हैं कंप्यूटर साइंस पसंद है, बोलता हूँ नहीं भाई कभी पसंद नहीं थी, आज भी पसंद नहीं। कंप्यूटर साइंस में जब आया जब ज़िंदगी में कुछ और कर ही नहीं सका। शालतीफ़ खैरपुर से बैचलर्स कर लिया, उसमें नंबर अच्छे आ गए, कराची आ गया, प्रेस्टन से पहला मास्टर्स किया। फिर लोगों ने बोला तो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, इसकी तो डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं कहा जी फंस गया हूँ। फिर दूसरे मास्टर्स के लिए पी एफ किट चला गया। फिर अल्लाह ने करम के लम्स में दाखिला हो गया, वहाँ एक साल पढ़ा, मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिल गई, तो अमेरिका आ गया। यहाँ से मास्टर्स किया, सिटी बैंक में काम किया, डिस्क फाइनेंशियल में काम किया, पीएचडी किया, एमआईटी से कुछ कोर्सेज किए, पाकिस्तान वापस चला गया, जीआईके से मैं प्रोफेसर लग गया, वहाँ पढ़ाया गुलाम इसहाक़ खान में 13 महीने तक। फिर पाकिस्तान का डिफेंस ग्रुप है, इंट्रेक्टिव ग्रुप, वहाँ पर चीफ ऑफ रिसर्च लग गया, 3 साल वहाँ काम किया। फिर अपनी कंपनी खोली कोफिक सॉल्यूशंस के नाम से, उसमें स्टार्टअप कप में पहली पोजीशन ली पाकिस्तान में, स्टार्टअप वर्ल्ड कप हुआ आर्मीनिया में, वर्ल्ड में पहली पोजीशन ली दुनिया भर को हरा के। फिर अमेरिका में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाने लग गया, ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर एजेंट रिसर्चर लग गया, कोविंटी यूनिवर्सिटी में एजेंट प्रोफेसर लग गया। फिर यहाँ पे कंपनी खोली, यहाँ पर मैं ओवन वीज़ा के ऊपर आ गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीज़ा के ऊपर। अभी अपनी कंपनी खोली, यहाँ पे 35 मी, तो हम एक बंदे से तकरीबन 69 बंदे अभी हो गए हमारे, 2 मुल्कों में ऑफिस हो गए, बाकी हम कुछ और ऑफिस खोलना चाह रहे हैं। हमने $1.8 million की फंडरेजिंग अभी कर ली है, वी आर गेयरिंग अप फॉर द नेक्स्ट फंडिंग राउंड फॉर $25 million, तो विल गो फ्रॉम देयर। तो जो चीज़ मेरी सीखी मैंने वो तो है पढ़ना। अगर आप पढ़ते रहें, अगर आप 10-12-15 हज़ार घंटे लगाने किसी फील्ड के ऊपर, कोई भी फील्ड हो, आप बोले कंप्यूटर साइंस, आप बोले क्रिकेट खेलना है, गाना गाना है, जो भी फील्ड हो, तो उसके बाद आप किसी गार में जाके, पहाड़ में जाके छुप जाएं, और आप देखेंगे एक पगडंडी आपकी गार तक अपने आप आ जाएगी, दुनिया आपको नहीं छोड़ेगी, वो अपने आप आपको काम देने के लिए आ जाएगी। जो आप काम करें उसमें एक्सीलेंस की कोशिश करें। मैंने अपने एडवाइज़र से पूछा, पीजी के बाद मुझे बड़ा डर लेता है यार, जॉब मिली नहीं मिली चली गई क्या करूँ। उसे निशान कुछ ना करो, थोड़े एक दो काम कर लो। पहला काम तो ये करो, एक स्किल ऐसी डेवलप करो जिसमें तुम्हारा सानी कोई ना, कोई एक चीज़ पकड़ लो, बोलो इस ये चीज़ मुझसे अच्छी बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैंने वो रीडिंग डेवलप कर ली, तो मेरी एवरेज स्पीड रात की कोई अलहमदिल्ला को 600 पेजेस की हो गई पर नाइट की।
तो जो बच्चे आते हैं कोई भी बात करता है, कोई यू नो चैलेंज करने की कोशिश करता है, तो बेटा पहले पढ़ कर आओ फिर बात करना। तो मुझे पता है इसके अंदर मैच करना बड़ा मुश्किल काम है और बड़ा आपको टाइम टेबल का ख्याल रखना पड़ता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने पढ़ना है तो आपने पढ़ना है। जो काम नेचर ने करना है नेचर करे, नेचर बारिश कर रही है तो क्या करूँ मैं, रुक जाऊँ, मुझे पढ़ना है मैं पढ़ता रहूँगा अपना आराम से, और क्या करूँ। तो ये मैंने स्किल डेवलप को, तो बच्चे को स्किल डेवलप करनी चाहिए। और उसके बाद दुनिया का ख्याल ना करे, दुनिया ताने दे, अच्छाई करे बुराई करे, आराम से करता रहे। जो भी काम उसको दिया जाए वो अपनी एक्सीलेंस पे करे, और ये ना देखे पैसा कितना मिल रहा है। तो अगर मैं कहीं वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहा हूँ तो आई विल ट्राई टू डू ऑन द सेम लेवल कि अगर मैं करता, अगर मुझे वहाँ से 1,00,000 रुपये दिन का मिल रहा होता तो मेरे काम में फ़र्क नहीं आना चाहिए। या तो आप काम ले नहीं हुए किसी का, अगर आप किसी बच्चे को बोलते हैं मैं एडवाइस करूँगा तो आप उसको उसी तरीके से एडवाइस करें कि अगर आप उसको एडवाइस करते हैं अगर आपको 1,00,000 रुपये घंटे के देता तो। आपके काम में झोल नहीं आना चाहिए। जब आप इस लेवल के ऊपर काम करते हैं यकीन रखें दुनिया में आज तक दुनिया वालों को अच्छा दर्जी नहीं मिलता, अच्छा बढ़ई नहीं मिलता, अच्छा रंगरेज नहीं मिलता, अच्छा माली नहीं मिलता, अच्छा ड्राइवर नहीं मिलता। अच्छे लोगों की हमेशा मांग दुनिया में हमेशा रहती है। तो अगर आपका काम उस क्वालिटी के ऊपर आ गया फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो और अभी भी सीख रहा हूँ ज़िंदगी से, जो बंदा ये कहे कि उसको सब कुछ आ गया है तो वहाँ पर उसकी सीख का अमल रुक जाता है, आगे वो सीख नहीं पाता। तो आपको सर झुका के चलना चाहिए, लोगों की इज्जत करनी चाहिए। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है रेहान भाई जिससे आप कुछ ना सीख सकें। 4 साल का बच्चा है उससे भी सीख सकते हैं, बड़े भी उससे भी सीख सकते हैं, छोटे से सीखते हैं, फ़कीर से भी सीख सकते हैं। वो फिर मैं कोशिश करता हूँ जो सीखूँ लोगों से उसको लिख दिया करूँ। तो मैंने एक नॉवल लिखा है जस्तजू का सफ़र, मेरी अगली किताब है जो अगले हफ्ते पाकिस्तान में आ रही है, उसका नाम है कसक, सच्चाई से माखूज झूठी कहानियाँ। फिर इनकी इंग्लिश वर्जन भी लिख देता हूँ, एक ब्लॉग है एक्सप्रेस में वो भी लिखता हूँ मैं, हफ्ते में 3 ब्लॉग्स मेरे छपते हैं वहाँ पर। बस दैट्स इट। तो ये छोटी सी स्टोरी है। मुझे नहीं लगता मैंने ज़िंदगी में कोई काबिल फ़ख्र या कोई ऐसा काम किया जो लोगों को बताया जा सके, मिसाल के तौर पर पेश किया जा सके, काबिलियत भी नहीं। लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और मुझे बहुत बड़ा झूठ लगता है, क्योंकि बात सच नहीं है, मैं बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें कंबाइन नहीं होती। मिसाल के तौर पे दुनिया में हुसन और आजजी कंबाइन नहीं होते। जो लड़की खूबसूरत होती है वो आपको कहाँ से जलती होती, भाड़ में जाओ मेरे पास सोचते खड़े हैं, कभी कंबाइन नहीं होते। इसी तरह दुनिया में तनकीद और फ़ायदा कंबाइन नहीं होते। कोई बंदा रिहान भाई आपके पास आए और आपको उसको बुराया करे, आप ये भी गलत करते हैं, ये भी गलत करते हैं, मुझे इस पर भी एतराज़ है, लैपटॉप स्कीम से भी एतराज़ है, फिर वो बोलेंगे जी रिहान भाई मेरी कोई हेल्प भी कर दें, आप बोलेंगे जी भाड़ में जाओ, तो इतनी बुराइयां तो बात ही क्यों करते हो मुझसे। तो तनकीद और फ़ायदा जमा नहीं होते। इसी तरह दुनिया में ज़हानत और हार्ड वर्किंग कभी जमा नहीं होते। ज़हानत और हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनत। हार्ड जो ज़हीन बच्चा होता ना बोलता है ठीक है जी आप महीना भर पढ़ते रहो मेरी 1 घंटे की मारे, आप जाओ करो आराम से, मैं 1 घंटे पढ़ूंगा मैं आपसे ज़्यादा नंबर ले लूँगा। तो जो ऊन जो ज़हीन आदमी होते हैं बड़े काहिल किस्म के होते हैं। मैं भी बड़ा काहिल किस्म का, मैं चाहते ही नहीं रूम से बाहर निकलूँ, बस बैठ के आराम से पढ़ता रहूँ। और अगर ये जमा हो जाए तो बंदा बनता है इमाम राजी, बंदा बनता है इमाम गजाली, फिर बंदा बनता है स्टीव जॉब्स, फिर बंदा बनता है नेल्सन मंडेला। बड़ा मुश्किल होता है, वो जमा नहीं होते। तो मुझे कोई बंदा हार्डवर्किंग बोलता है बड़ी हैरत होती है, क्योंकि मैं हार्डवर्किंग नहीं हूँ। मैं रात भर पढ़ता हूँ, दिन में 2-4 ईमेल कर ली, 2-4 कुछ काम कर लिया कंपनी का और सो जाता हूँ। तो उसमें हार्डवर्किंग कहाँ से आ गई? हार्डवर्किंग जब है कोई आगे मैं बोरियाँ उठाऊँ, कोई मेहनत करूँ, कोई 18-12 घंटे की मशक्कत करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो हार्ड वर्किंग कहीं से भी नहीं हो। लोग समझते हैं मैं ज़हीन हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लोग समझते हैं मेरा कोई मेंसा का टेस्ट दूंगा तो कोई 200 IQ लेवल आ जाएगा, और बहुत से लोग देते हैं देने का, और मुझे हया आती है, मैं तो डर के मारे नहीं देता कि जो थोड़ी बहुत इज्जत बनी वो भी ख़राब हो जाएगी अगर उसमें कोई 20-22 का स्कोर आ गया। तो मैं ज़हीन भी नहीं हूँ। ज़हानत जो है वो कहते हैं इल्म को मौजूदा इन्वायरमेंट में सर्कमस्टेंसेज में आप किस तरीके से यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तो उन इन्वायरमेंट में पढ़ा ही नहीं। मैं तो जब पता चले ना कि कहीं जाके पाकिस्तान में उस कंपनी में काम करूँ या बाकी बच्चे काम कर रहे हैं और मैनेजर आके गालियाँ दे, फिर पता लगेगा कि मुझे कितनी ज़हानत है और कितना मैं डील करता हूँ। मुझे क्या पता जब मैं बेटा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलना। मुझे तो जो पढ़ता हूँ मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे 360 व्यू मिल जाता है किसी भी चीज़ का। तो मैं जब ऑथर को पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, तो कोशिश करता हूँ ऑथर को पहले पढ़ूँ, कहाँ पला पढ़ा, कहाँ पैदा हुआ, क्या रिलीजन है, कौन से उसके अकायद हैं। हर बंदे का ज़िंदगी में कोई ना कोई एंगल होता है। बंदा क्या कह रहा है ये समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, उसका एंगल क्या है। आपको वो समझ में आता है, बंदा आपको समझ में आ जाता है। तो कोशिश करता हूँ ऑथर को पहले पढ़ूँ, बाद में उसकी किताब पढ़ूँ, उसके बाद में वो ऑथर जो उस ऑथर को पसंद नहीं करते, जिन्हें उसके रिफ्यूट में किताबें लिखी हैं, वो भी ज़रूर पढ़ता हूँ। तो उसे 360 व्यू आपको हर चीज़ का मिल जाता है। आई गेस ये बड़ी काम की स्किल होती है कि अगर आप चीज़ों को उसकी 360 व्यू में देख सकें तो आपको गाइड कर देते हैं। और असल चीज़ तो अल्लाह का फजल करम है और कुछ भी नहीं है। अल्लाह जब जिसको बनाना चाहे वो छोटी सी बात बोले लोग तालियां बजाने लग जाते हैं, वो बड़े बड़े हीरे पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं, कोई को पूछता भी नहीं है, वो उसी तरह गुमनाम मर जाते हैं। तो अल्लाह जिसको कबूल कर ले, काम खुलूस नीयत से करें, कोशिश करें, रात को सोएं तो सबको माफ़ कर दें।
दिन में दुआ क्या करें, अल्लाह सबको माफ़ कर दे, ये चीज़ ना रखें. यू नीड टू बी काइंड फॉर नो रीज़न. दूसरी चीज़ ये करें कि पढ़ते रहें. पढ़ना हम लोगों ने मिनहसुल कौम बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, कोशिश करके पढ़ते रहें. तीसरी चीज़ जो इन दोनों से ज़्यादा ज़रूरी है वो अदब. रियान भाई 37 साल का मैं हूँ, आज तक मैंने वो बच्चा नहीं देखा जिसने उस्ताद की बेइज्जती की और वो कुछ कर गया. अदब कभी कभार आपको वो मरतबे दिलवा देता है जो इल्म, अकल, फरासत, दौलत, रिसोर्सेस कुछ भी नहीं दिलवा सकती. उस्ताद के सामने आप अपनी राय दें, उस्ताद के सामने आप उसकी बात की काट करें, मर ना जाए उससे पहले. तो ये नहीं करना चाहिए. उस्ताद कोई भी, उसका अदब करना चाहिए. उस्ताद सारे ही होते हैं. लोगों से छुपके मिलें और दुआ करें, अल्लाह से मांगें. ये जो दुआ है ना, ये इबादत का कोई ततम्मा नहीं है कि जी नमाज ख़त्म है तो चलो दुआ ख़त्म कर लो, सील लल दो. दुआ बजाते खुद एक इबादत है. मैं आपको छोटा सा वाक्य बताऊँ. मैं मौलाना तकी उस्मानी साहब से मिला कराची में, बड़ा शौक था मिलने का. मैंने बोला हज़रत एक सवाल है, ये बताइए अल्लाह तक पहुँचने का डायरेक्ट रास्ता क्या है. तो वो मुझे जानते हैं, मुझे समझ गए. कहने के ये पूछो ना, सही सही तुम पूछना चाहते हो, अल्लाह तक कैसे पूछें बगैर मौलवी के. मैं कहा हाँ, ये वाला सवाल है, क्या करूँ, शॉर्टकट क्या है. हम तो दुनियादार किस्म के लोग हैं, कंप्यूटर से फुर्सत ही नहीं मिलती कि कहाँ इतने सारा मुराकबात करेंगे और इतनी रियाजतें करेंगे और नमाज पढ़ेंगे और वो सॉरी नमाज पढ़नी है और जिक्र वगैरह की दादा करते रहेंगे. बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने. बोला दो काम कर लो. पहला काम, सरापा दुआ बन जाओ. इतना मांगो, इतना मांगो, इतना मांगो कि शहर में तुमसे बड़ा फ़कीर कोई ना हो. हर वक्त मांगते रहो, हर वक्त मांगते रहो, जूते के तस्मे से लेके मिलियन डॉलर तक हर चीज़ मांगते रहो अल्लाह मियाँ से. दूसरा, सरापा शुक्र बन जाओ. चाय पियो, अल्लाह मियाँ तूने चाय पिलाई, अल्लाह चाय नीचे उतर गई, तेरा बड़ा करम है. बेगम साहब ने अल्लाह तेरा करम है, शादी हो गई, इतने हुई शादी है. सोफे उठो, अल्लाह मियाँ बड़ा नरम गद्दा है, बड़ा नरम सोफ़ा है, अल्लाह तेरा करम है. ये दो काम करते रहो, कुछ नहीं चाहिए, सारी चीज़ें मिल जाएंगी. तो आदमी शुक्र अदा करता रहे, आदमी मांगता रहे, दुआ करता रहे. तो शायर कहता है कि मैं तो इतना भी समझने से रहा हूँ कासिर, मैं तो इतना भी समझने से रहा हूँ कासिर, राह तकने के सिवा आँख का मकसद क्या है. आप डेटा साइंटिस्ट हैं, आपने जो नसीहत करी है वो ये करी है कि झूठ ना बोलें और पढ़ें, और तीसरा सर झुका के काम करें, दुनिया को छोड़. अब ये तो डेटा वाला आदमी मुल्ला वाली बातें कर रहा है, ये बात समझ में नहीं आई. तो डेटा से बताएं, प्रूफ करें कि ये क्या चक्कर है कि सच बोलने से अमरीका कैसे बन जाएगा हमारा. बहुत आसान है. मुझे हैरत इसी बात के ऊपर होती है, यहाँ पर भी जब लोगों को डेटा साइंस डिफाइन करता हूँ, अपने टीम के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, हर बंदा समझता है कि मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ. मैं बड़ा हैरान होता हूँ, वो तो इस्लाम का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, ना मैंने आयत कोट की, ना मैंने हदीस कोट की, मैं तो डेटा साइंस की बात कर रहा हूँ, इस्लाम बीच में कहाँ से आ गया. तो उससे खुशी भी होती है. इसका मतलब ये कि इस्लाम दीन फितरत है. जब आप दीन की बात करते हैं, जब आप फितरत की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, तो यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी ये समझता है कि आप इस्लाम की बात कर रहे हैं. तो बड़ा तर्रा इम्तियाज़ है हमारे लिए, बड़ी खुशी का सबब है. मैं डेटा की बात कर रहा हूँ हजरत. आप बिल गेट्स की बुक पढ़ें, स्पीड ऑफ बिजनेस या किस नाम से, बिजनेस द स्पीड ऑफ लाइट, वो बुक पढ़ें. आप बाकी चीज़ें पढ़ें. आप एक काम कर लें, आप नोबेल प्राइज़ विनर्स की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ लें, बायोग्राफीज पढ़ लें, मादम क्यूरी से उठाएं और जितने भी लोगों को मिला पढ़ लीजिए आराम से. मदर टेरेसा को पढ़ें, एक बुक, एक मूवी आई है अभी रिसेंट, ज़रूर देखें. मूवी का नाम है दी लेटर्स. मदर टेरेसा पूरी ज़िंदगी अपने खुदा को लेटर लिखती रही. क्या मूवी, पूरी मूवी उस लेटर्स के ऊपर है. आप पढ़ें, आपकी ज़िंदगी चेंज हो. कुछ मूवीज़ बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, मूवीज़ ज़रूर देखनी चाहिए. ब्यूटीफुल माइंड है जिस तरीके से. तो आप इन लोगों को देखें, तो ये सब लोग पढ़ने पे थे, सब लोग पढ़ते थे. बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि बंदा हो कामयाब हो. अच्छा, कामयाबी का मतलब ये नहीं कि आपने पैसे कमा लिए, आपका जैकपॉट लग गया तो भी आप बिलियनियर बन जाते हैं. मुझे एक दफ़े शौक चढ़ा कि मैं लोगों की ज़िंदगी देखूँ जिनको जैकपॉट लग जाता है, जुए में नाम जीत जाते हैं. वो बड़ी मुझे हैरत हुई कि इन लोगों का इनाम लगा, इन्होंने सारे पैसे 3-4-5 साल में बर्बाद किए और फिर फ़कीर हो गए. और जो कामयाब बंदे अच्छे बिजनेसमैन थे वो बैंकक्रप्ट हो गए, उसके बाद वो वहाँ से वापस उठे और फिर उन्होंने करोड़ रुपए बना लिए. इन सब की ज़िंदगी में आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलती हैं जो सक्सेस डिफाइन करते हैं, भले दीन में हो या दुनिया में हो. दोनों जगह देख लें. आप दीन में मिसाल उठा लें, इमाम गज़ाली की बात करें, इमाम हनीफा की बात कर लें. आप दुनिया में नेल्सन मंडेला की बात कर लें, आप स्टीव जॉब्स की बात कर लें, आप बिल गेट्स की बात कर लें, इस चाय की आप बात कर लें, मादाम क्यूरी की बात कर लें. पहली चीज़, बुक फ्रेंडली लोग होते हैं. किताबों से, इल्म से मोहब्बत होती है. सबकी अपने पर्सनल स्टडीज़ होती है. कोई ना कोई बजट ज़िंदगी मुख्तस होता है किताबों के लिए. देखिए, अगर आपकी तनख्वाह पाकिस्तान 15,000 रुपये, 25,000 है, 50,000 है, लाख है, आप बताइए कितने फ़ीसद तनख्वाह का आपने मुख्तस कर दिया किताबों के लिए. कि ग्रोसरी की तरह आप किताब आएगी आएगी 500 रुपये की महीने की, नहीं करते. कोई कोई बजट तो होना चाहिए ना किताबों के लिए.
मेरा एडवाइज़र कहता था जब ज़िंदगी में पैसे कम हो जाएं तो खर्चा कम कर लिया करो, दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे, खाने पे, पीने पे, कपड़े पे, घूमने फिरने पे, किताबों पे रिवर्स ऑर्डर में। इसका मतलब भूखे मर जाओ, किताब लेना ना छोड़ो। तो किताबों से सबको दोस्त मिलते हैं, इल्म दोस्त मिलते हैं सारे के सारे आदमी। दूसरी चीज़, इन तमाम आदमी में आपको बहुत ज़्यादा आजजी नज़र आती है, बहुत आजजी नज़र आती है। मेरा कुछ बड़े लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, बहुत आजजी देखी। कोई तसन्नो बनावट शो नहीं होती बड़ा। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं अपनी पिछली तस्वीरें देख रहा था फेसबुक के ऊपर, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई। वो बड़े लोग जिनसे पाकिस्तान में मिला, जब उनके साथ मैंने तस्वीर खिंचवाई, तो या तो वो अपने फ़ोन के ऊपर बात कर रहे थे, स्मार्टफोन के ऊपर, बड़े से फ़ोन के ऊपर, या वो अपने किसी छोटे को कोई हुक्म दे रहे थे कि तुम इधर करो, तुम ये करो, या उनकी शक्ल और चेहरा किसी और तरफ था और मैं उल्लू की तरह खड़ा हुआ था उनके साथ। खुद ही शर्म आ रही थी तस्वीर खिंचवाई क्यों। और जब यही तस्वीर मैंने अमरीका में और बाहर मुल्कों के अंदर लोगों के साथ खिंचवाई, तो उस वक्त वो बिल्कुल सिर्फ मेरे साथ खड़े हुए थे, हाथ मिलाया हुआ था, गले में हाथ डाला हुआ था, हंस रहे थे। ऐसा लगता था दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो जब इन बड़े लोगों से मिलते हैं, वो कहीं भी मिल जाए दीन में, दुनिया में, आपको लगता है कि इस वक्त उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कुछ है ही नहीं, बस आपको टाइम दे दिया, वो टाइम पूरा आपका हुआ। तो ये सारा डेटा है सारे का सारा। वो भी किताबें पढ़ते थे, उनमें भी आजजी थी। अच्छा, उनका भी कोई ना कोई बड़ा ज़रूर होता है। वो शख्स जिसके पीछे कोई बड़ा ना हो, जिसके कोई टीचर ना हो, काबिल तकलीद होता ही नहीं है। शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं कि दिल्ली के मुर्दों का फेज़ दिल्ली के जिंदों से ज़्यादा है। मगर क्या करें भाई, तरबियत के लिए किसी जिंदा से कनेक्ट होना ही पड़ता है। अब कोई बंदा आके आपको चैलेंज करे कि रिहान भाई आपसे तो मुझे नफरत है, आपकी मुझे कोई बात नहीं माननी, ये नहीं और वो नहीं, और फिर भी आपको अपना शागिर्द कहे, तो आप बोलेंगे यार तुम कहीं और, मैं तुम बात ही नहीं माननी मेरी, तो आपको किसी न किसी को बड़ा बनाना पड़ता है। और जिसको बड़ा बना ले फिर उसकी सुननी पड़ती है, फिर उसमें चूचा नहीं होती, फिर जैसा वो बोले वो करो, वरना फिर अपनी चला लो। एक वक्त में आदमी एक ही चला सकता है, किसी ईमान सकता है या अपनी चला सकता है, तो ये काम कर ले। तो जो मैं बातें कर रहा हूँ ये तो मैंने डेटा साइंस से सीखी हैं, ये बातें कंप्यूटर साइंस की बुक पढ़ने से। सबसे ज़्यादा रिलीजन जिस बुक से मैंने सीखा है, मैं आपको बुक दिखाता हूँ, यू विल बी अमेज्ड। हम झूठ पे जाएं अगर, कि झूठ हमने अपने साथ बांध लिया है, टाइम को देना, यानी आपने 9 बोला तो 9:50 तो झूठ है ही नहीं, 9:10 झूठ है ही नहीं, झूठ ही नहीं है। मतलब वो तो उनकी किताब में मजाक समझते हैं कि अगर आपने टाइम की पाबंदी कर दी तो ये झूठ क्यों नहीं समझते हैं? और डेटा साइंस से बताया ना कि यार ये इसको दिमाग से निकालना क्यों ज़रूरी है। देखिए, झूठ जो है ना, झूठ तो रिजल्ट है, झूठ तो आउटपुट है ना जो आ रहा है। देखिए इनपुट पीछे क्या आ रहा है, उसके माखज क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है। हमारे माशरे में बंदा झूठ कुछ वजूहात की वजह से बोलता है। पहली वजह ये होती है डर, खौफ, कि मैंने अगर सच बोला तो मारा जाऊंगा, सच बोला तो नौकरी से निकाला जाऊंगा, सच बोला तो बीवी बच्चे बॉस गुस्से में आ जाएगा। पहली चीज़ तो डर होती है, खौफ होता है। दूसरा बहुत बड़ा खौफ होता है कि झूठ नहीं बोला तो खाऊंगा कहाँ से, झूठ नहीं बोलूंगा तो दुकान नहीं चलेगी, तो खाऊंगा कहाँ से, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। तीसरी बात होती है कि एक अजम्पशन होती है कि यार ये कोई उम्र थोड़ी सच बोलने की, सच तो बोलूंगा आगे जाके भी तो ज़िंदगी पड़ी हुई है। और ये बहुत बड़े बड़े ना फलासीज़ हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, खाऊंगा कहाँ से, तो जो हमारे बच्चे काम करते हैं, मैं बच्चों को बोलता हूँ लिख के मुझे कैलकुलेट करके बताओ तुम ज़िंदगी में कितना खाना खाओगे। बोलते हैं क्या मतलब आपका, आर यू किडिंग मी? नहीं नहीं, आई एम नॉट किडिंग, लिखो। तो मैं एक रोटी खाते ना, तो मुझे पता है मैं दिन में 2 रोटी खाता हूँ, इससे ज़्यादा खा नहीं सकता, खाऊंगा तो मैं आई स्टार्ट वोमिटिंग, डायरिया हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, 2 खाता हूँ। तो रिहान भाई, एक रोटी 80 ग्राम की होती है, तो इसका मतलब 160 ग्राम गंदम मैं खाता हूँ दिन की, ठीक है। आप कैलकुलेट करो 30 दिन में कितनी खाओगे, तो साल में कितनी खाओगे ज़िंदगी में। मैंने पूरी ज़िंदगी की अपनी गंदम कैलकुलेट की है, तो पूरी ज़िंदगी, एवरी ज़िंदगी, पाकिस्तान में जीता है 62-63 साल, औरत बेचारी जीती है 65 साल, तो मैंने 70 साल पे कैलकुलेट कर ली, 37 साल का हूँ, अगले 33 सालों तक मैं अगर खाता रहूँ तो मैं 5 लाख रुपये से ज़्यादा का खाना नहीं खा सकता। तो इसी का रोला है, $5,000 का ही रोला है ज़िंदगी भर का, और क्या है, खाओगे कहाँ से। तो ये तो मसला आप हल करें ना सबसे पहले, तो आप लिख लो, चलो आप सलाद भी खाएंगे उसके पैसे भी डाल दें, आप सालन खाएंगे तो बोटी सुबह डाल दीजिए, आप 2 दिन चिकन खाएंगे 2 दिन दाल वो भी डाल दी, कैलकुलेट कर लो ना, एक दफ़े नंबर लिया हो ना, तो पता तो चले मसला है क्या। तो ये 20 लाख का मसला है, चलो ठीक है 20 लाख का मसला है ना ज़िंदगी भर का, आगे चलें तो ये कैलकुलेट कर लें। फिर हम बोलते हैं ज़िंदगी पढ़िए भी छूट है, ये बहुत बड़ा मसला है। 60-65 साल की ज़िंदगी हमारी कॉमन पाकिस्तान में जो होती है एवरेज, हम 8 घंटे रोज़ सोते हैं, हम 8 घंटे रोज़ सोते हैं, तो अगर हम 8 घंटे रोज़ सोते हैं तो 23 साल 3 महीने 4 महीने ज़िंदगी में हम सोते में गुजार देते हैं। हमने कैलकुलेट किया है पाकिस्तानी ऑन एवरेज ज़िंदगी के 2 साल बाथरूम में गुजारता है, पर्सनल हाइजीन के ऊपर, वो भी जो मैं रेगुलर शावर की बात कर रहा हूँ, हमारे नौजवान 15-15 मिनट का, आधे आधे घंटे का शावर लेते हैं, इसकी बात नहीं करता। तो 2 साल तो आपके बाथरूम में चले गए, ठीक है। आप 8 घंटे का ही काम करते हैं, 9 to 5 ऑफिस में जॉब करते हैं, तो 23 साल 4 महीने आपके वहाँ चले गए,
पाकिस्तानी ऑन एवरेज 4 घंटे देखता है टीवी पाकिस्तान में, तो ये बनते हैं जिंदगी के 12 साल। 4 घंटे आप इंटरनेट पे फेसबुक पे गुजार देते हैं तो 12 साल ये बन गए। इन सबको जमा करें तो 80-90 साल तो ये हो गए, तो टाइम बचा किधर? मुश्किल से पूरी ज़िंदगी में कोई 1-1.5 साल बचता है जिसमें बंदा कोई ऐसा काम कर ले जो उसकी लीगेसी स्टेटमेंट हो, जिसमें वो कोई बड़ा काम कर लिया, तो टाइम तो भाई साहब है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब देखिए झूठ बंदा बोल क्यों रहा है, किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का खौफ है, वो खौफ खत्म कर दें, वो डर खत्म कर दें, झूठ अपने आप मर जाएगा। कैसे करें? हसद है ना, हसद इन्फॉर्मेशन में पलता है, इन्फॉर्मेशन को काट दें, हसद अपने आप मर जाएगा। तो आप बच्चे को बावर करा दें कि बेटा तुम मुझे सच बोलोगे तो उससे तुम्हारी जॉब पे असर नहीं आएगा, मुझे निकालना होगा तो मैं वैसे निकाल दूंगा, लेकिन उसकी वजह से नहीं निकालूंगा, हल्के हल्के देखेंगे, मैंने बच्चों को बोला हुआ है, स्कूल की असाइनमेंट नहीं की, काम नहीं किया, बच्चा आगे सच बोल दो ना, खत्म हो गई बात। तो अगर इधर भी चीज़ को बावर करा देंगे तो झूठ अपने आप हल्के हल्के खत्म हो जाएगा। आप देखिए ना झूठ बंदा बोलता क्यों है जब सच बोलने के नुकसान हों, सच बोलने के नुकसान उसे क्लियर कर दें, खत्म कर दें, बंदा अपने आप उसको किसी ने काटा तो नहीं कि बिलाड़ी झूठ बोलेगा, अपने आप सच बोलेगा, और जब झूठ बोले तो टोक दें कि बेटा इस तरह मस्ता नहीं चलता, इस तरीके से बात नहीं ऐसे कर लें। जी आपका आर्टिकल कबूलियत जी, मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया, मेरा पहला आर्टिकल था, मैंने एक्सप्रेस की भी लिखा, इसमें फिर लोगों को पसंद आया तो फिर मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया। कबूलियत ये मैंने शब कदर पर लिखा था। जफ़र और मकबूल उपरात अली के 2 भाई थे। जफ़र की पैदाइश के 2 साल बाद ही उसका बाप मर गया और मकबूल अपने बाप की मौत के कुछ माह बाद पैदा हुआ तो दौरान जचकी माँ मर गई। यतीमी और गरीबी में बीमारियाँ तो बस बहाना होती हैं, असल में तो अमीर रोटी खाते हैं और गरीबों को रोटी खा जाती है। सो मकबूल की माँ भी राहिए मुल्क अदम हुई। हमारे माशरे में गरीबी बजाते खुद एक गाली है, ऊपर से यतीम और मिस्कीन दोनों भाइयों की खूब मिट्टी पलीद हुई। एक दूर के मामू अपने गांव ले गए और रोते धोते जफ़र और मकबूल 7 और 5 साल के हो गए। आज उनके दूर पड़े के मामू ने शहर में उन्हें एक कोठी में मुलाजिम रखवा दिया। महीने के महीने आकर वो तनख्वाह ले जाया करेंगे और यहाँ बच्चे मुफ्त में खा पी लेंगे और काम का सलीका भी सीखेंगे। जफ़र की ड्यूटी साहब की बिल्ली की हिफाजत पर लगी तो मकबूल की ड्यूटी साहब के छोटे बेटे की देखभाल पर, जो बमुश्किल 3.5 साल का था। मकबूल छोटे साहब को रात भर झूले में घुमाता रहता और कुछ ना कुछ खिलाता रहता कि रोने की आवाज़ से साहिब और मालिकन की खिलवत में असर ना पड़े, और सितारे 5 साल के कमसिन गुलाम को देख कर हंस हंस कर गायब होते रहते। साहब जी कोई बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर थे, शख्सियत में रची फिरौनियत और तबीयत में भरी करख्तगी इतनी थी कि कोई लफ्ज़ ना बोल सके। दौलत इतनी कि फावड़ों काटे कम ना हो। दोनों भाइयों की तो जान ही जाती थी अगर साहब की नज़र भी पड़ जाए। एक दिन जफर से गलती हुई कि बिल्ली को दूध ज़रा गर्म दे दिया, वो उछलकर भागी तो साहब जी ने देख लिया और खोलते हुए दूध का बर्तन जफर के चेहरे पर उंडेल दिया। मकबूल रात भर कपड़े से अपने छोटे छोटे हाथों से अपने भाई के आबले साफ करता रहा। जिस जिस्म पर फूल की छड़ियाँ लगी थी उस पर ये दिन भी आना था। पता नहीं जानवरों के हुकूक का ख्याल रखने वाले इंसानों को डसना कब छोड़ेंगे। मकबूल की ड्यूटी साहब की देखभाल की वजह से मालिकन के आसपास ही होती। मालिकन भी गुस्से की तेज़ थी, जिस्म के आज़ा की साख्त ऐसी कि हंसी की पोट, मगर अपने हुस्न पर इतना जाम कि शहजादियाँ शर्माएं। वो शायद भेरी भी थी कि अपने अलावा किसी की भी नहीं सुनती थी। आज रमज़ान की 27वीं रात थी, शबे कदर। हर एक ने जर्क बर्क लिबास पहने हुए थे। साहब जी शलवार कमीज में घूमकर मेहमानों को इफ्तार के लिए बिठा रहे थे और बराबर वाली मस्जिद में रत जगे की तैयारियां और लाउड स्पीकर की टेस्टिंग जारी थी। दोनों भाइयों की हालत काम कर करके रद्दी हो रही थी। उठते जूती बैठते लात, उनकी इतनी हस्ती ही कपती कि कोई उन पर भी रहम खाए। दोनों भाइयों की दिलों की गुफ्तगू साहब जी की नगमा संजी में दफन हो गई। क्या मजाल किसी की कैसी ईमान अंगेज तकरीब को उछटा कर कुछ कहने की जरूरत करे। एक मेहमान ने इशा के बाद चुपके से दोनों का रोज़ा खुलवा दिया। ये कहना मुश्किल है कि ऐसा उन्होंने नेकी के शौक में किया या किसी गुनाह की शर्मिंदगी में। मालिकन ने मकबूल को आवाज़ लगाई कि वो जल्दी आकर छोटे साहब का ख्याल रखे तो जल्द नहा धोकर रात के वास के लिए बन संवर जाएं। मकबूल ने छोटे साहब को बहलाने के लिए बिल्ली का पिंजरा सामने रख दिया। बिल्ली आज सुबह से बंद थी मेहमानों की वजह से, इसलिए बड़ी खूंखार हो रही थी। छोटे साहब ने भी आज बिल्ली को जिज करने की कसम खाई हुई थी। कभी दुम खींचते तो कभी मूछों के बाल तोड़ते, कभी आँख में उंगली मारते तो कभी टांग खींचते। मकबूल ने बारहा मना किया मगर उसकी तो ज़िंदगी में कोई बात कबूल ना हुई जो आज होती। जहालत के करिश्मे और अमारत के जैम बेकार नहीं जाते, मगर नक्कार खाने में तोती की आवाज़ सुनता ही कौन है। बिल्ली भी आखिर बिल्ली थी, कहाँ तक सब्र करती। किसी गरीब का बच्चा तो थी नहीं कि ज़िंदगी की हर शरारत का इंतकाम चुप से लेती। उसने आखिर छोटे साहब के चेहरे पर पंजा मार ही दिया। कुछ खराशें और एक खून की कलकारी छोटे साहब की चीखों के लिए काफ़ी थी।
मालिकन जैसे तैसे भागकर पहुंची और खून देखकर तो उनकी जान ही निकल गई। एक हाथ से छोटे साहब को संभाला तो दूसरे हाथ से मकबूल का गरेबान पकड़ा। वो बेचारा इस नागहानी पर जैसे साकित ही हो गया था। मालिकन ने गला फाड़ फाड़ के चीखना शुरू किया। एक खिलाई भाग कर आई तो छोटे साहब को उसके हवाले किया और बल पड़ी बे माँ के बच्चे पर। बिल्ली का पिंजरा उठाकर मुंह पर मारा तो एक सलाख कान के आर पार हो गई। चेहरे पर इतने थप्पड़ मारे कि तबाक सा चेहरा सीपी रह गया। घर के दरो दीवान तक हैरान थे कि एक माँ होकर बिना माँ के बच्चे से ये सलूक क्यों कर रवा रखा। इस असना में बड़े साहब भी आ गए। जफर भी चीखों पुकार सुन के आ पहुँचा, मगर उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि वो किसी का हाथ रोक सके। जो उम्र कार्टून देखने की होती है उसमें जल्लाद देख रहा था। साहब जी थे तो 50 के आसपास, मगर बेगम की शिकायतों पर जुनून तारी हो गया। कुछ लोग वैसे भी बुढ़ापे में पहुंचकर जवान हो जाते हैं। उन्होंने घोड़ों को मारने वाली बेड निकाली और ताकत की मशक मकबूल की नन्नी कमर पर करने लगे। मार मार के खूनम खून कर दिया और गालियों की वो तकरीर के शबे कदर भी हैरान रह गई होगी। जब साहब जी के हाथ रुके तो मकबूल तकरीबन मर चुका था। उन्होंने उसे उठाकर दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। जफर भागता हुआ गया और बमुश्किल तमाम मकबूल को उठाकर घर के बाहर मस्जिद के पिछवाड़े बने कब्रिस्तान में चला गया। साहब जी और मालकन छोटे साहब की मरम पट्टी और दिलजोई में लगे। इधर मौलवी साहब ने माइक का गरेबान चाक किया। मुरीदों पर सिक्का जमाने के लिए शबे कदर की वो करामात के लगे के बयान सुनकर ही बख्शे जाएंगे। अपनी करामात का वो जिक्र के अल्लाह साईं के सांझी और हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई करीबी अजीज़ मालूम हो। मकबूल अपने भाई के हमराह एक बोसीदा कब्र पर लेटा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और करीब में नीम के दरख्त के वो नमक ख्वार पत्ते जिन्हें जफर कभी कभार पानी दे देता अपनी बेबसी पर मातम करते हुए शाखों को फैला रहे थे कि हशर में उन बच्चों पर साया करने वालों में लिखे जा सके। जफर ने आसमान की तरफ देखा और दुआ को हाथ उठाए। या ज़ुलजलाल वल इकराम, या रब्बुल आलमीन, ए रात की तारीकी में पहाड़ों पर चलने वाली चूंटी के पाँव की आवाज़ सुनने वाले समीउ बसीर, एक गुनाहगार बंदा, एक नापकार गुलाम, तेरी सरकार में, तेरे दरबार में, तेरे करम का तालिब, तेरे रहम का मुल्तजी ज़लील व ख्वार हो गया है। ज़मीन व आसमान के मालिक, जंगल व बयाबान के बादशाह, इंसान व हैवान के रज़ाक, शबे कदर के रब, कोह दरिया के अंदाता, तेरा नाम बड़ा, तेरे काम भले, तेरा रहम वसी, तेरा करम अमीक, मेरी फरियाद को पहुँच, मेरी दुहाई को सुन, मेरी तड़प को आ, मेरे सबर को तोल, मेरी इल्तजा को सुन, मेरी पुकार को कबूल कर, खुशकी और तरीके शहनशाह, मेरी इज्जत बचा, मेरी आबरू रख, तू गफूर और रहीम है, तू अलीम व खबीर है, पनाह दे कुल जहानों के सरताज, पनाह दे, बेशक तेरी पनाह बड़ी चीज़ है, दुनिया की परेशानी से बचा, आफत नागहानी से बचा, भूख के अजाब से बचा, तकलीफ़ की इंतहा से बचा, मुसीबत की इब्तिदा से बचा, आँखों को चैन दे, रूह में सकून दे, उम्र में बरकत दे, मुझे मेरे भाई का बदला दे, किसी की ना सुनियो मेरे मालिक, पूरे मुल्क में ना सुनियो, इस मकबूल की ज़िंदगी में कोई कबूल ना हुई, आज उसकी मौत पर कबूल कर ले, ये लाश ए मालिक परवरदिगार, ए धुतकारे हुओं के रब, ए लावारिसों के वारिस, ए यतीमों के मलजा, ए बेनसीबों के पालनहार, या ज़ुलजलाल वल इकराम, मैं तमाम लोगों की दुआओं और तेरे बीच रखता हूँ। या अल्लाह, ये गरीबों को खाना नहीं देते, जाहिलों को तालीम नहीं देते, यतीमों का ख्याल नहीं रखते, मिस्कीनों से शफकत से पेश नहीं आते, इनकी एक ना सुनियो मेरे मालिक, तुझे तेरी खुदाई का वास्ता, वसीला तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तू सुन ले मेरे मालिक, तू तो वहीं था, सब देख रहा था, बिल्ली जितना भी नसीब नहीं हमारा, आज ना सुनियो, किसी की ना सुनियो, तेरी मिन्नतें करता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे सामने नाक रगड़ता हूँ, इस फटी झोली का वास्ता, इस भूखे पेट का वास्ता, इस निकलती हुई जान का सदका, कबूल कर ले तुझे तेरी इंसफात का वास्ता, जिनका मुझे पता कोई नहीं, आज मान ले। मकबूल की ज़ुबान से एक नहीफ आमीन निकली और उसकी रूह इस बेकरार बदन से परवाज़ करके उसके पास चली गई जो सबको करार देता है। जफर ने उसके माथे पर आखिरी बोसा दिया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। तहज्जुद का वक्त था, मौलवी साहब बयान लपेट रहे थे। कहने लगे, हजरत यकीन जानिए, अल्लाह ने सुन ली, आप सबको आपकी मुरादें बस मिल गईं, गुनाहों से ऐसे पाक हुए कि अभी जने गए हों, खुश व खुर्रम घर जाएँ और सहरी खाएँ।
मस्जिद के आखिरी सफ में बैठे हुए जफर के चेहरे पर न जाने कहां से मुस्कुराहट आ गई। उसने जोर से कहा, आमीन। That's it. Thank you very much.